हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल लाहटा। सो द काउंटडाउन हैज बिगन। हम बात कर रहे हैं जब तक है जान और सन ऑफ सरदार की। दोनों फिल्में दिवाली पर रिलीज हो रही है और अब केवल 10 दिन बच गए हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जिबिटर्स अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे एग्जिबिटर्स डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और उनसे जाना कि एक्साइटमेंट लेवल किस फिल्म की ज्यादा है, किस फिल्म की कम है, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, एंड दे इन टर्न आर इन टच विद द पब्लिक। तो आइए पब्लिक क्या सोचती है इन दो फिल्मों के बारे में वो जानते हैं। पहले बात करते हैं यश चोपड़ा की जब तक है जान के बारे में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ब्रांड यश चोपड़ा एंड आदित्य चोपड़ा, क्योंकि ये यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा की फिल्म है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी एक्साइटमेंट लेवल ऑलरेडी पब्लिक के माइंड में है। आफ्टर ऑल आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा स्पेल सक्सेस मोर ऑफन देन नॉट। शाहरुख खान, कटरीना कैफ पहली बार, एंड शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा, जब आप एक फिल्म देखने जाते हैं और इतने खूबसूरत चेहरे देखते हैं तो वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है और अच्छा लगता है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट थ्री गुड लुकिंग, थ्री ब्यूटिफुल पीपल, दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। कुछ लोगों का ये सोचना है कि म्यूजिक पॉपुलर नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि A.R. रहमान का म्यूजिक, इट ऑलवेज टेक्स टाइम टू ग्रो। फिल्म के रिलीज होते होते इसका म्यूजिक डेफिनेटली पिकअप होगा और अगर ये फिल्म अच्छी होती है, बॉक्स ऑफिस पर चलती है, यू कैन बी श्योर दैट दीज सॉन्ग्स विल बी ऑन टॉप ऑफ द म्यूजिक चार्ट्स। दिवाली के अवसर पर जो फिल्में खुशी देती है, खुशी बांटती है, उन्हें देखने का मजा कुछ और ही होता है और इस फिल्म के ट्रेलर से ऐसे लगता है दैट इट्स अ फील गुड फिल्म। एक और प्लस पॉइंट, ये शायद कहने में सुनने में थोड़ा ठीक ना लगे, लेकिन ये सही है कि एक सिंपैथी वेव बन गई है आफ्टर द सडन एंड अनटाइमली डिमाइस ऑफ यश चोपड़ा साहब, जिनकी ये आखिरी फिल्म होने वाली थी और अब तो डेफिनेटली आखिरी फिल्म ही होगी। There seems to be a sympathy wave in favor of the film, which will translate into box office collections. तो ये तो हुई बात है जब तक है जान की। आइए अब बात करते हैं अबाउट सन ऑफ सरदार, जानते हैं कि सन ऑफ सरदार के फेवर में क्या क्या बातें हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका पहला ट्रेलर। जिस दिन सन ऑफ सरदार का पहला ट्रेलर आउट हुआ था, उसी दिन लोगों को ट्रेलर इतना पसंद आया था कि लोगों ने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म तो हमको देखनी है। सेकेंड प्लस पॉइंट, इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म फुल ऑफ कॉमेडी एंड एक्शन, एंड कॉमेडी एंड एक्शन का जो मेल है, कॉमेडी एंड एक्शन का जो मिक्सचर है, दैट्स अ हेडी कॉम्बिनेशन, एंड जनरली कॉमेडी एक्शन फिल्म्स डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। और ऐसे लगता है इसके ट्रेलर्स देखकर, बाद के भी ट्रेलर्स देखकर ऐसा लगता है दैट दिस फिल्म वुड ऑफर एंटरटेनमेंट ऑन अ सिल्वर प्लेटर। तो इसलिए लोगों को डेफिनेटली उत्सुकता है इस फिल्म को देखने के लिए। थर्ड प्लस पॉइंट, अजय देवगन एंड संजय दत्त। After films like Singham and Bol Bachchan in the case of Ajay Devgan and after Agnipath in the case of Sanjay Dutt, इन दोनों stars की जो marketability है या market value है definitely ऊपर बढ़ गई है and लोग अब काफी bated breath के साथ wait करते हैं उनकी अगली film के लिए। So this one has Sanjay Dutt and Ajay Devgan together and therefore double the excitement level to watch this film. एक और plus point, इस film का संगीत। लोगों का ये सोचना है कि संगीत, जो म्यूजिक है, इस फिल्म के गाने हैं, दे आर वेरी मास अपीलिंग, बट मासेस में ये इतने पॉपुलर हो गए हैं कि मासेस विल पेट्रोनाइज दिस फिल्म इन अ वेरी बिग वे, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट प्लस पॉइंट, मास अपीलिंग, मास ओरिएंटेड। इस फिल्म के ट्रेलर से, इस फिल्म के टाइटल से, इस फिल्म की कास्ट से, सारी बातों से प्लस म्यूजिक से ऐसे लगता है कि ये मासेस के लिए पूरे मसाले के साथ आ रही है, यानी इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ मास अपीलिंग फिल्म। एंड इसलिए मास अपीलिंग टेरिटरीज एंड मास अपीलिंग सर्किट्स, मास अपीलिंग सेंटर्स में यू कैन बी श्योर कि सन ऑफ सरदार की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। एंड देन द पॉपो सॉन्ग पिक्चराइज ऑन सलमान खान, ये एक मास्टर स्ट्रोक बन गया है, स्पेशली बिकॉज सन ऑफ सरदार जब तक है जान के सामने आ रही है। बिकॉज जो सलमान खान के लॉयल फैंस हैं, एंड उनकी संख्या बेहद है, बहुत ज्यादा है, इन नंबर्स सच लॉयल फैंस आर ह्यूज, एंड वो सारे लोग डेफिनेटली सन ऑफ सरदार को देखेंगे बिकॉज इन दैट वे दे वुड बी सपोर्टिंग देयर भाई सलमान भाई। अब जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के प्लस पॉइंट्स की बातें हो ही रही है, तो आइए चलते हैं जनता के पास और उनसे जानते हैं कि उनमें किस फिल्म को देखने की ज्यादा उत्सुकता है। I would like to see जब तक है जान first and foremost and then Son of Sardar also later. Though I am an Ajay Devgan fan but I also love Shahrukh Khan a lot. जब तक है जान देखना चाहूँगा क्योंकि like first time on screen
शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी देखने मिल रही है। मैं बेसिकली दोनों फिल्में देखूंगा क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत जॉनर की फिल्में बनती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉनर है। जब तक है जहाँ स्पेशली यशराज जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए देखूंगा, एंड सन ऑफ सरदार तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगी तो मैं इसे भी मिस नहीं कर सकता हूँ, एंड दोनों मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। आई वुड लाइक टू सी जब तक है जान बिकॉज आई थिंक इट विल बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू यशराज, ही इज रिसेंटली एक्सपायर्ड सो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट मूवी। आई विल प्रेफर सन ऑफ सरदार। आई वुड लाइक टू सी बोथ ऑफ द फिल्म्स। यश चोपड़ा मूवीज आई ऑलवेज लाइक बिकॉज इट्स ऑल दे ऑल आर रोमांटिक मूवीज एंड आई ऑलवेज लाइक रोमांटिक मूवीज। आई वुड लाइक टू सी बोथ बिकॉज आई बिलीव बोथ ऑफ देम आर गुड। सन ऑफ सरदार जो जिस मो चांस इट्स टू लाउड, आई एम गोना गो फॉर जब तक है जान बिकॉज आई एम रियली वेटिंग फॉर शाहरुख टू। आई गो फॉर सन ऑफ सरदार बिकॉज इट्स एन एक्शन मूवी एंड आई एम एन एक्शन मूवी फैन। सन ऑफ सरदार आई एम अ बिग फैन ऑफ अजय देवगन, दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट एक्टर एंड आई एम अ सरदार एंड सो आई वांट टू सी दैट मूवी।